अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। किस तरह की मीडिया होगी, महज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गुरुग्राम में जो फसाद तशद्दुद हुआ उसे इस्लामिक हिंसा यानी इस्लामिक तशद्दुद कहते हुए दूसरी तरफ के तशद्दुद को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। कल हमने ट्रेन में कैसे फिरकापरस्त ज़हनियत के पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग में चार लोगों की जान चली गई जिसमें तीन मुसलमान थे। अब इसे ज़हनी बीमार कहते हुए इसके जुर्म को भी हल्का करने की कोशिश मीडिया कर रहा है। खैर, उनका काम है, वो अपने काम पर कायम है। जैसे हमने कल शक का इजहार करते हुए कहा था कि कुछ तो अनहोनी को अंजाम देने की फिराक में हिंदुत्व तंजीमें, लिहाजा ये भी तस्वीर अब सामने आने लगी है। गुरुग्राम अंजुमन मस्जिद पर कुछ फिरकापरस्त तंजीमों के गुंडों ने हमला किया जिसमें एक इमाम का भी कत्ल हिंदुत्व तंजीम के अफरादों ने किया और अंजुमन मस्जिद को नजरे आतिश किया। हाथों में भगवे परचम लिए जिस तरह से एक हंगामा सड़कों पर बरपा किया गया, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात, दिल्ली, मुजफ्फरनगर या फिर हाल ही में मणिपुर जो अब भी जल रहा है, जैसे हालात दिगर जगहों पर भी बरपा करने की साजिश फिरका परस्तों ने की है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि मुजरिमों को एक तरह से सरकारी हिमायत हासिल होती जा रही है। कोई भी कुछ भी बयान देता है, किसी पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। मुल्क में वाकई कोई न्याय व्यवस्था, कानून, अदलिया है या नहीं, ऐसा सवाल बार बार जहन में आ जाता है। इन तमाम के पीछे जो वजह है वो वजह को ही समझने की जरूरत है। हुकूमत को सबसे पहले मोनू माने सर जो बजरंग दल का है कि कयादत में किसी रैली को इजाजत ही नहीं देनी थी, लेकिन हरियाणा भाजपा सरकार की शायद इसमें हिमायत हो और वो भी जुनैद नासिर का कातिल खुलेआम रैली का ऐलान सोशल मीडिया पर करता है जिसे पुलिस एब्सकॉन्डिंग भी कहती है और मोनू मानेसर के गुंडे हाथों में भगवा लिए सड़कों पर इसी सोच के साथ निकलते हैं जिस काम को उन्होंने अंजाम दिया। और जब साजिश के तहत किसी एक समाज को निशाना बनाया जाने लगता है तो वही पुरानी कहानी हमेशा की तरह दोहराई जाती है कि मस्जिद से पत्थर आए या पाकिस्तानी हिमायती नारे लगाए गए। यहाँ भी यही कहा जा रहा है और मस्जिद को जलाया भी गया। तो मस्जिद गैर कानूनी थी ये भी कुछ मीडिया वालों ने चलाया, मतलब अब भीड़ ही फैसला करेगी कि क्या गैर कानूनी है क्या कानूनी है, क्या मस्जिद कानूनी थी या गैर कानूनी थी, यही ये भीड़ फैसला करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। और वाजा रहे, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान जानबूझकर अकलियती इलाकों से रैली को जाने की जिद की गई थी जहां फसाद बरपा हुआ था। रोजाना इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहा जाए। मस्जिद के इमाम मौलाना साद जिनकी उम्र 22 है, इनका कत्ल कर दिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक 150 अपराधों की भीड़ ने रात में गुरुग्राम के अंजुमन जामिया मस्जिद पर हमला किया जिनके हाथ में पिस्टल और दिगर हथियार थे। मस्जिद में दाखिल होते ही लोगों पर गोलियां चलाई गई जिसमें मस्जिद के इमाम मौलाना साद शहीद हुए और दिगर चार अफराद भी कुल मिलाकर शहीद हुए हैं। दिगर जख्मियों को जेर इलाज अस्पताल ले जाया गया, फिर मस्जिद को आग के हवाले भी किया गया। फायर ब्रिगेड कुछ देर बाद आई, तब तक बहुत कुछ जल चुका था। इसके बाद आग पर काबू भी पाया गया। पुलिस के मुताबिक 5 अफराधों को गिरफ्तार किया गया। खैर, जिस तेजी से मुस्लिम मुखालिफ वारदातें पेश आ रही है, इस मुल्क के बादशाहूत तबके को सोचने की जरूरत है बिना किसी हिंदू मुस्लिम तफरके के, क्योंकि 2024 की बड़ी साजिश की ये शुरुआत कह सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इंतजामिया भी फिरका परस्तों की हिमायत में होने का इल्जाम मुसलमानों की जानिब से लगाया जा रहा है। आखिर भाजपा संघ परिवार मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और अब इस मुल्क के आवाम को भी सोचना होगा कि मुल्क में अमन को जिताना है या फिर फसादियों को। रोजाना तेजी से बढ़ती नफरत की वारदातें मुल्क को तबाही की ओर ले जा रही है, अगर इसे रोका ना जाए तो, क्योंकि मुस्लिम समाज फिलहाल अपनी दुनिया में मस्त है। इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई इमारत जलाए या फिर कोई मुकद्दस किताब जलाए, लेकिन इस तरह सड़कों पर उतर कर कत्ले आम और आगजनी करना क्या यही संस्कृति का हिस्सा है जिसकी बार बार दुआई दी जाती है? आलमी सतह पर वैसे भी मुल्क की तस्वीर दागदार हो चुकी है। यूपी के वजीर आला खुद खुले आम न्यूज चैनलों पर कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। अब मस्जिद को जलाकर इमाम के कत्ल की भी आलमी मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। विदेशों में हो रही बदनामी का असर न तो यहाँ के हिंदुत्व तंजीमों को हो रहा है और ना ही यहाँ के नेताओं को। इसके बावजूद भी मोदी का जाप करना यहाँ के अंधभक्तों का काम हो गया, लेकिन ये तमाम अंधभक्तों का दायरा महदूद ही कह सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के बाद साउथ इंडिया में यानी दक्षिण में काफी हद तक भगवा ब्रिगेड का कोहराम थम चुका है। जरूरत है मुल्क सतह पर अब आवाम को इस तरह के गिरोहों को रोकना होगा और चुनाव में ऐसे पार्टियों तंजीमों इदारों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि
बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मस्जिद में घुसकर इमाम का कत्ल करना और मस्जिद को जला देना एक तरह से फिर मुल्क में तशद्दुद को कायम कर चुनावी फायदा हासिल करने के फिराक में है, ये साफ हो चुका है। खासकर भाजपा को इससे जरूर फायदा हो सकता है, हरियाणा में भी। इससे पहले कई मरतबा फसाद को बर्पा करने, मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें पेश आई है। गुरुग्राम अंजुमन मस्जिद के इमाम का कत्ल और मस्जिद को जलाने के बाद हमेशा की तरह मुस्लिम इलाकों में पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया। सोहना, पटोडी और मानेसर इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से पीस मीटिंग भी बुलाई गई है, पर क्या इसका फायदा हो सकता है जब खुद पुलिस को लोग एक समाज के विरोध में और एक समाज के हिमायत में कार्रवाई करते हो। इन तमाम के दरमियान मुसलमानों को भी संजीदा होकर सोचना होगा। वाजा रहे कि वीएचपी बजरंग दल की जानिब से जलाभिषेक यात्रा के नाम से जुलूस निकाला था। नूह का खेड़ला मोड़ इलाका है जो हाईवे के बिल्कुल करीब है, जहाँ मुसलमानों की इंतहाई गरीब बस्ती रहती है और रात में ट्रक सवारों को खाने पीने की चीजें बेचती है और इसी पर इनका गुजारा हो जाता है। सैकड़ों ठेले हिंदुत्व भीड़ की जानिब से जलाए गए, जिन पर ही इन गरीबों का गुजारा हुआ करता था। फसाद की आग दिगर जिले में फैलती जा रही है। हरियाणा सरकार क्या वाकई संजीदा है या फिर इस आग को फैलाने की फिराक में है, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। जरूरत है मुल्क के उन तमाम सेक्युलर लोगों को समझने और संभलने की, क्योंकि आग फैल रही है और ये हर एक के घर तक पहुंच सकती है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।